हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पोर्टलैंड सीमेंट किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में। ये पोर्टलैंड सीमेंट का थर्ड पार्ट है और इससे पहले हमने बहुत कुछ कवर कर रखा है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार आप वो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप कुछ भी समझ पाते हैं, कुछ भी सीख पाते हैं, तो ही आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें हेल्प मिल सके ग्रो करने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो किस तरह से पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट आर, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कैल्केरियस मटेरियल। तो कैल्केरियस मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो, लाइम हो। ओके, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ लाइम, CaO। द कैल्केरियस मटेरियल्स आर लाइमस्टोन, चौल्क, कैल्काइट्स एंड शेल। ओके, आर्जिलेरियस मटेरियल्स, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ आर्जिलेरियस मटेरियल। आर्जिलेरियस मटेरियल मेनली कंटेन क्ले। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स जो मेनली क्ले कंटेन करते हैं वो आर्जिलेरियस मटेरियल कहलाते हैं। तो इनके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्ले, सेंड, मार्ट, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस प्लस एक्सेट्रा। ओके, पाउडर्ड कोल फॉर फ्यूल, जिप्सम। तो हमने देखा कि किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसके अंदर हमने देखा कैल्केरियस मटेरियल जो मेनली लाइम कंटेंट करते हैं, आर्जिलेरियस मटेरियल जो मेनली क्ले कंटेंट करते हैं, पाउडर कोल फॉर फ्यूल और फ्यूल ऑयल भी ले सकते हैं, जिप्सम। ओके, तो चार तरह के रॉ मटेरियल्स हमें जरूरी हैं पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए। अच्छा, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डन इन फोर स्टेप। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के चार स्टेप हैं। फर्स्ट है मिक्सिंग, सेकेंड है बर्निंग, थर्ड है ग्राइंडिंग एंड फोर्थ है पैकिंग। तो ये चार स्टेप फॉलो करके ही हम पोर्टलैंड सीमेंट बना सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि हमें एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है और एक ही वीडियो में समझना है। तो लास्ट तक आप बने रहें। ओके, और ये भी बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो वो यही है। ओके, लगभग 80% to 85% ये फिक्स्ड, इस क्वेश्चन का है ना, फिक्स्ड होता है, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं है पूछने को, क्योंकि ये सब तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो देखा हमने कि चार प्रोसेस होते हैं, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। पहले मिक्स करना है, फिर बर्न करके उसको ग्राइंड करके फिर पैक कर देना है। बहुत ईजी है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग दो तरह से हो सकती है, ड्राई प्रोसेस से भी हो सकती है और वेट प्रोसेस से भी हो सकती है। तो देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो फर्स्ट मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, तो ड्राई प्रोसेस, द कैल्केरियस एंड आर्जिलेरियस मटीरियल्स आर क्रश्ड एंड पाउडर सेपरेटली। ड्राई प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी कैल्केरियस एंड आर्जिलेरियस मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग क्रश्ड कर लिया जाता है। मिक्सिंग इज डन इन जियोरोट्रिक क्रशर्स, द पाउडर मटेरियल आर मिक्सड इन प्रॉपर प्रोपोर्शनल टू गेट रॉ मिक्स। ओके, अब क्या होता है कि आर्जिलेरियस और कैल्केरियस मटेरियल्स को हमने अलग अलग क्रश करके पाउडर बना लिया है, फिर उन दोनों की मिक्सिंग होती है जियोरोट्री क्रशर्स के अंदर। जियोरोट्री क्रशर्स उनको बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और बिल्कुल प्रॉपर अनुपात में, प्रॉपर प्रोपोर्शनल में दोनों को मिक्स करके रॉ मिक्स बनाया जाता है। जो भी मटेरियल दोनों को मिक्स करने से हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं रॉ मिक्स। इट इज़ कैप्ड रेडी एंड स्टोर्ड इन बीन्स। तो इनको बीन्स के अंदर पैक कर लिया जाता है, देन फेड टू द रोटेटरी क्लीन फॉर बर्निंग। तो अब इनको आगे बर्निंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है हमारा
वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द कल्केरियस मटेरियल्स आर क्रस्ड एंड पाउडर्ड। तो कल्केरियस मटेरियल को क्रस्ड करके उसका पाउडर बना के रख लेते हैं। एंड स्टोर सेपरेटली इन सोइल्स, और सोइल्स के अंदर उसको पैक करके रख लेते हैं। द आर्जिलेरियस मटेरियल आर मिक्स्ड विथ वाटर एंड वॉश मिल्स। तो आर्जिलेरियस मटेरियल को क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं और वॉश मिल्स की हेल्प से उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देन द ड्राई कल्केरियस लाइम एंड वेट क्ले लेड टू ग्राइंडिंग इन मिक्सिंग एंड मिक्सिंग इज डन इन प्रॉपर प्रोपोर्शनल। क्या होता है कि कल्केरियस मटेरियल तो हमने अलग फाइन करके अलग पाउडर बना के उसको पैक करके रखा हुआ था। अब आर्जिलेरियस मटेरियल को वाटर के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है वॉश मिल्स की हेल्प से। देन उसके अंदर जो ड्राई कल्केरियस पाउडर था उसको मिक्स कर दिया जाता है और प्रॉपर प्रोपोर्शनल के अंदर उसको मिक्स किया जाता है। तो हमने देख लिया ड्राई और वेट प्रोसेस। ड्राई में क्या होता है, दोनों को सेपरेटली क्रश करके पाउडर बना देते हैं और दोनों के पाउडर को प्रॉपर प्रोफेशनल के अंदर मिक्स करके उनको पैक कर लेते हैं सोयस के अंदर और बर्निंग प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। और वेट के अंदर क्या करते हैं कि कल्केरियस को तो हम क्रश करके अलग रख लेते हैं और आर्जिलेरियस मटेरियल्स को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको वॉश मिल्स की हेल्प से मिक्स कर देते हैं। फिर उसके अंदर हम कल्केरियस का जो पाउडर है उसको मिलाते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल के अंदर और जो भी रॉ मिक्स है वो तैयार करते हैं। ओके, हियर अ पेस्ट फॉर्म कॉल्ड स्लरी। तो उसमें जो पेस्ट जो ड्राई में जो मिक्स बना था हमने उसको रॉ मिक्स कहा था, और इसमें जो पेस्ट बनेगा इसमें सूखा मिक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को हम कहेंगे स्लरी। तो इस स्लरी के अंदर 40% वाटर होता है। अब दोनों का कंपैरिजन भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस कॉस्टली है। इट इज़ अ सेफर प्रोसेस, इट इज़ स्लो प्रोसेस, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। सीमेंट प्रोड्यूस्ड ऑफ पुअर क्वालिटी का सीमेंट प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर सीमेंट प्रोड्यूस ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि वेट प्रोसेस है तो ऑफकोर्स वेट में थोड़ा अच्छे से मिक्स हो पाता है। द प्रोडक्ट शन रेट इज लो एंड द फ्यूल रिक्वायर्ड इज लेस। इसका उल्टा कर लीजिए, द स्मॉल क्लीन्स आर सफिशेंट, छोटे क्लीन्स सफिशेंट। अब अच्छा यहाँ पे क्लीन्स क्या है, क्लीन्स मीन्स आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर बर्निंग प्रोसेस के लिए उनको डालते हैं फिर उनको रोटेट किया जाता है। तो क्लीन्स हम देखेंगे आगे जो डायग्राम आने वाला है उसके अंदर भी आप क्लीन्स देखेंगे किस तरह का क्लीन्स होते हैं। तो यहाँ पे छोटे क्लीन्स से काम चल जाता है, यहाँ पे छोटे क्लीन्स से काम नहीं चलेगा। दिस प्रोसेस इज नॉट सुटेबल व्हेन रॉ मटेरियल कंटेनिंग मॉइस्चर। तो ड्राई में अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, रॉ मिक्स में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, तो ये प्रोसेस नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं हो पाता। और इसमें तो मॉइस्चर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ ली है मिक्सिंग। ओके, मिक्सिंग के बाद क्या आता है, बर्निंग। तो बर्निंग प्रोसेस मेन है और मेन हार्ट है इस टॉपिक का, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इन दिस प्रोसेस क्लीन रोटेटरी आर यूज्ड। इट इज़ अ लॉन्ग स्टील सिलेंडर विथ 2-3 डायमीटर एंड 60-90 इन लेंथ। इट इज़ द लाइंड बाय द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। द रोटेटरी क्लीन्स आर फिक्स्ड एट द एंगल टू ऑफ 5-6 degrees टूअर्ड द एग्जिट एंड। ओके, क्लीन्स के बारे में बताया कि क्लीन क्या होता है। क्लीन रोटेटरी क्या होती है, सिलेंडर होता है 2-3 डायमीटर का, इसकी लेंथ होती है 60-90 मीटर के बीच में, और इसके अंदर एक लेयर होती है ब्रिक्स की लेयर होती है इसके अंदर, और ये जो जिस एग्जिट एंड से ये 5-6 डिग्री के एंगल पे फिक्स्ड होता है। ओके, द रॉ मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड थ्राउट द अपर एंड्स एंड पासेस स्लोली टू द लोअर एंड। तो रॉ मटेरियल्स को क्लीन्स के अपर एंड से इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो धीरे धीरे स्लोली लोअर एंड की तरफ बढ़ता चला जाता है। द पासिंग स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्लोप और रोटेशनल स्पीड। द रोटेटरी क्लीन्स रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 1 rotation per minute। देन द ड्राई मटेरियल्स पासेस फ्रॉम द डिफरेंट जोन्स। ओके, अब यहाँ पे आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको रो मिक्स जो भी मिक्सिंग के बाद आपको मिला है, चाहे वो रो मिक्स हो चाहे वो स्लरी, आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं
इंट्रोड्यूस करने के बाद ये धीरे 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 क्या होता है, नीचे चला जाता था। अच्छा, तो मैंने ये डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, थोड़ा सा क्या होगा ऐसे टेढ़ा जाएगा, 5 to 6 degree के एंगल पे होगा, तो ज़्यादा भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसकी स्पीड किससे मेंटेन कर सकते हैं हम, आप रोलर से इसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 1 rotation per minute। ओके, अब बर्निंग के लिए यहाँ पे देखिए, आप एयर ब्लो कर सकते हैं, यहाँ पे बर्न दिखाने की मैंने कोशिश की थी। अब यहाँ पे बहुत सारे जोन्स बता रखे हैं कि हाँ, अच्छा देख ही लेते हैं हम। तो ये जो क्लीन्स होती हैं इनको हम जोन्स में बार्स डिवाइड कर सकते हैं। हम क्लीन्स की बात कर रहे हैं, क्लीन क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ 60 to 90 meters है। तो आगे का जो पोर्शन है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है वो ड्राइंग जोन कहलाएगा, बीचों बीच का जो पोर्शन है वो कैल्केनिंग जोन कहलाएगा, और जहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हीट है, वो कहलाएगा बर्निंग जोन। ओके, तो अब हम जोन्स के बारे में बात करेंगे कि किस जोन्स पे किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट है ड्राइंग जोन, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द रोटेटरी क्लीन्स, द टेम्परेचर इज अबाउट 100 to 400 degrees Celsius, वाटर गेट इवेपरेटेड हियर। अच्छा, ड्राइंग जोन में क्या होता है, ओनली जो भी अगर हमने स्लरी डाली है तो उस स्लरी के अंदर जो भी वाटर है वो इवेपरेटेड हो जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 100 to 400 degrees Celsius होता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है, तो आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा कि ड्राइंग जोन में कितना टेम्परेचर होता है, कैल्केनिंग जोन में कितना टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट जो है कैल्केनिंग जोन, इट इज़ द सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट होता है क्लीन का, और हेयर द टेम्परेचर इज़ अबाउट 1000 degrees Celsius, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 1000 degrees Celsius होता है। द लाइम स्टोन ऑफ ड्राई मिक्स और वेट स्लरी अंडरगोस कंपोस्ट, तो क्योंकि हमने कल्केरियस और आर्जिनेरियस मटेरियल्स मिलाए हैं, तो उसके अंदर जो भी लाइम स्टोन्स होते हैं CaCO3, वो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं, किसके अंदर, CaO और CO2 के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो जोन है, यानी कि एंड पॉइंट है क्लीन का, वो है बर्निंग जोन। बर्निंग जोन क्या होता है, क्या करता है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट है ऑफ द रोटेटरी, एंड द टेम्परेचर इज़ अबाउट 1600 degrees Celsius। ओके, 1600 इज सो ह्यूज, हियर द मिक्सचर मेल्ट एंड फॉर्म क्लिंकर्स, यहाँ पे मिक्सचर्स जो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जो भी लाइम है क्ले है वो सब क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और क्लिंकर्स बना देते हैं। द रिएक्शन टैकिंग पैलेस, यहाँ पे किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी तरह से इसको याद करना चाहिए, आप रटिए समझिए, वो आपको देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्या हुआ कि ये तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे सबसे पहले डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो फर्स्ट रिएक्शन आप लिख देंगे कि CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो गया CaO और CO2 में, क्या यहाँ पर हमने देखा ना CO3 और CO, तो वही बात तो यहाँ पे कही है ना कि CaCO3 का डिकम्पोजन होता है CaO प्लस CO2 में। अब यहाँ पे हमने इसको, लाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम लाइम को यहाँ पे ले लेंगे, ये तो कल्केरियस में लाइम था, और तो आर्जिलेरियस में सिलिकॉन है ना, क्ले है ना, तो उन दोनों को मिक्स कर देंगे, आर्जिलेरियस और कल्केरियस को ही तो मिला रहे हैं ना, तो उन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट मिल सकता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी मिल सकता है, तो हमारे हाथ में नहीं है, 2 calcium oxide अगर सिलिकॉन से मिल जाएगा तो डाई सिलिकेट मिल जाएगा, और 3 होगा तो 3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मिल जाएगा, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे एल्यूमिनियम भी तो हम डालते हैं ना, हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम भी डालते हैं, तो वो जो ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनो से मिलकर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट रिएक्शन आपका बच गया है कि 4 calcium oxide के बारे में भी बात करना पड़ेगा, तो इसके अंदर फेरस ऑक्साइड जो होता है और एल्यूमिनो होता है उनको मिलाने के बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिक बन जाता है। ओके, तो कुछ कुछ करके तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आ जाते हैं हम डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में हमने देखा है कि ये क्लिन है, क्लिन के अंदर ड्राइंग जोन है, कैलकुलिंग जोन है एंड बर्निंग जोन है। ये क्या होता है, फ्यूल्स को बर्न करने के लिए चिमनी बनाई गई है। यहाँ पे जो भी बर्न होने के बाद डस्ट होते हैं वो इकट्ठी हो जाती है, फ्यूल की जो गैस होती है निकल जाती है। यहाँ पर रोलर है, इसको रोटेट करता रहता है। डायग्राम मैंने ठीक से नहीं बनाया है, वो आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोल की हेल्प से और एयर ब्लो करके यहाँ पे बर्न प्रोसेस को अंजाम देते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये सब मेल्ट होते 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 कहाँ इकट्ठा जाता है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे हम उस बंद करके रखते हैं, नहीं तो ये भी बाहर निकल जाएगा ना हमारा मटेरियल जो भी बना है। ठीक है, तो अब ग्राइंडिंग में क्या होता है कि ग्राइंडिंग फॉर्म द रोटेटरी क्लीन वी गेट क्लिंकर्स। तो क्लिंकर्स बन जाते हैं। क्लिंकर्स मीन्स कुछ भी नहीं है, जो भी रॉ मटेरियल्स स्लरी डाली थी उसके अंदर जो भी आरजी रेडियस और कल्केरियस मटेरियल थे ना, वो दोनों मिल पिघल गए और पिघल के क्या बना लिया, क्लिंकर्स बना लिए। दीज क्लिंकर्स आर कैरीड इन बोल्ड मिल्स। अब इनको बोल्ड मिल्स के अंदर भेज दी जाती हैं। आप भी पता है ना क्या होता है, बड़े बड़े बोल्स है जो फिर इनको मसल डालते हैं। इट इज़ मिक्सड विथ 2-3% ऑफ जिप्सम। और यहाँ पर हम जिप्सम भी 2-3% मिला देते हैं। जिप्सम इंक्रीजेस द इनिशियल सेटिंग टाइम। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो भी सीमेंट है वो अचानक हार्ड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो भी हार्डनिंग प्रोसेस है ना, तो उसके अंदर टाइम अमाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा सीमेंट हमारा अच्छा और मजबूत बनेगा। ठीक है, तो हम आगे जो टॉपिक आने वाला है उसमें हम बात कर लेंगे। पैकिंग तो हम बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी पाउडर बना है उसको पैक कर लेते हैं 5-5 किलो के बैग में। बाकी उनकी मर्जी है कंपनी वालों की, हम क्या कर सकते हैं। अब है रॉ मटेरियल। अच्छा, ये हम फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किए हैं ताकि याद हो जाए। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो दो तरह के मटेरियल्स हमको मिले थे, कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेरियस मटेरियल। फिर क्रश्ड इन मिल बॉल्स, तो इसको मिल बॉल्स के अंदर कर दिया। फिर इसको क्या कर लिया, वेट। बेसिकली हम यहाँ पर वेट प्रोसेस के बारे में बात करें, क्योंकि वेट प्रोसेस अच्छा होता है ना, तो उसी के बारे में बात होगी, अच्छा चीज़ के बारे में ज़्यादा बात होता है। तो रॉ मटेरियल तो कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेरियस मटेरियल है। तो कैल्केरियस को हमने पाउडर बना लिया है और उसका हमने वॉश वाटर के अंदर उसको वॉश कर लिया, यानी कि मिक्स कर लिया है वाटर के अंदर। फिर दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया। अच्छी तरह से मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, स्लरी बन गई है। और भले यहाँ पे ड्राई मिक्स भी बन सकता है अगर हम ड्राई प्रोसेस अपनाएं तो। अब उसके बाद दोनों को हम स्टोर कर लेते हैं टैंक में या फिर सोइल में स्टोर करके हम आगे वाले प्रोसेस में उसको भेज देते हैं। अब आगे प्रोसेस में भेजते हैं तो यहाँ पे जो कोयला होता है उसको जलाते हैं। कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, रोटेटरी क्लीन जो होता है वो गर्म होने लगता है और वो गर्म होकर क्या बना लेता है, सबको पिघला कर एक प्रोडक्ट बनाता है जो क्लिंकर कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम जिप्सम भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इस जो क्लिंकर बना है उसको हम डाल देते हैं ग्राइंडिंग बोल्स के अंदर और फिर हम उससे सीमेंट प्राप्त करके उसको पैक करके उसको सप्लाई कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश की और मैंने तो पूरी कोशिश की कि अच्छे से समझा सकूं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार बस कमेंट कर देना, मैं वापस बना दूंगा। और बीच में थोड़ी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो गई थी ना, तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक है।